आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। ऐसे की एक नई काइंड है जिसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। जबकि ऐसे के बारे में हमने सीखा है कि ऐसे क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक होती है, हर स्टेट से हर पाथ, हर करेक्टर या फिर हर लेटर फ्रॉम द सिग्मा के लिए एक पाथ निकलता है जो ये बताता है कि किसी भी स्टेट पे अगर कोई भी लेटर आ जाता है तो आपने नेक्स्ट कहाँ पे मूव करना है। ये डिटर्मिनिज्म कहलाती है। और नॉन डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब होता है कि एक ही स्टेट पे एक ही लेटर के लिए मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई पाथ ना हो। हमें ये पता है कि ऐसे भी ट्रांजिशन ग्राफ होती है। हमने क्लीन्स थ्योरम के तीन जो है उसमें ये सीखा है, तीन पार्ट्स में। सो व्हाट इज एन एनएफए? एन एनएफए इज अ टीजी विद अ यूनिक स्टार्ट स्टेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिंगल लेटर एज लेबल ऑफ ट्रांजिशंस। एन एनएफए इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, फाइनाइट मेनी स्टेट्स विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स। उसमें स्टेट्स होती हैं, एक इनिशियल स्टेट होती है और बाकी सब फाइनल स्टेट्स होती हैं। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होते हैं जिसमें सिग्मा में आपके लेटर्स होते हैं, जैसे टीजी में, एफए में, बिल्कुल उसी तरह। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस शोइंग वेयर टू मूव इफ अ लेटर इज इनपुट एट सर्टेन स्टेट। नल इज नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन, देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एनएफए और एफए में क्या फ़र्क है, तो यही फ़र्क है कि एफए डिटर्मिनिस्टिक है, एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। एफए में हर स्टेट पे हर लेटर के लिए पाथ मौजूद होते हैं, एनएफए में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल पाथ भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कोई पाथ ना हो। और टीजी में और एनएफए में क्या डिफरेंस है? टीजी में जो लेबल्स हैं उन पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं और सबस्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं, जबकि एनएफए में एक सिंगल करेक्टर की बेस पे आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव करते हैं। सो अगर आपके पास एनएफए में एटलीस्ट एक पाथ भी ऐसा होगा जो फाइनल स्टेट तक लेके जा रहा है, तो आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो एनएफए को एक आप इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं जो कि एफए और टीजी के दरमियान है। एफए स्ट्रिक्ट है, टीजी बहुत ही लूजली बाउंडेड है, एनएफए दोनों के दरमियान में पाई जाती है। सो एनएफए के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एनएफए जो है ये एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, विच इज ए बी। स्टेट वन जो कि स्टार्ट स्टेट है उससे ए रीड करके फोर पे आएंगे और फोर से बी रीड करके फाइव फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। एक और स्ट्रिंग है जो ये एनएफए एक्सेप्ट कर रही है, वो है ए। सो ये जो एनएफए है ये क्या दिखा रही है? ए ए स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करती है। उसके अलावा शुरू में भी लूप लगा हुआ है और एंड में भी लूप है। तो एनएफए जो है वो एक किसी भी एफए में अगर आप लूप को रिमूव करना चाहें तो, और आप उसको एनएफए में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट एनएफए हेल्प्स टू एलिमिनेट अ लूप एट सर्टेन स्टेट ऑफ एन एफए। दिस प्रोसेस इज डन कन्वर्टिंग द लूप इनटू अ सर्किट। सर्किट का मतलब होता है इनडायरेक्ट लूप जो कि किसी स्टेट पे जाके वापस उसी स्टेट पे आ जाता है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एफए remains no longer FA and is converted to a corresponding NFA, which is shown in the following example. तो ऐसे सूरत हाल में जो FA है वो FA नहीं रहती बल्कि NFA बन जाती है। तो इसमें आपको स्टेट नंबर 7 के ऊपर एक लूप A नजर आ रहा है, तो उसको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास स्टेट 10 तक स्टेट थी, एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई गई स्टेट 11, और 7 से ए रीड करके आप 11 पे जा रहे हैं और 11 से ए रीड करके वापस आप 7 पे आ रहे हैं। नाउ
जो 11 और 7 है उसको अगर आप एक ही स्टेट कंसीडर करें तो 11 से भी बी सी डी की आपकी जो है ट्रांजिशंस 8, 9 और 10 स्टेट में जाएंगी, और 7 से भी बिल्कुल उसी तरह, और जो 4, 5 और 6 से ए बी सी आ रहा था 7 में वो तो आएगा ही आएगा बिल्कुल उसी तरह से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लूप को रिमूव कर दिया और एक सर्किट इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो आप अगर किसी एफ ए को एन एफ ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा? क्लीन्स थ्योरम के मुताबिक अगर कोई एफ ए ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है जो जिसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी मौजूद हो, तो टी जी भी हम उससे बना सकते हैं। यानी एक लैंग्वेज जिसके लिए आप एफ ए बनाते हैं उसके लिए एक टी जी भी बना सकते हैं और इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। ये क्लीन्स थ्योरम के 3 पार्ट्स हमने देखे थे। एन एन एफ ए इज अ टी जी एज वेल, एन एफ ए भी एक टी जी है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एन एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द एफ ए। सो जो लैंग्वेज एफ ए एक्सेप्ट करती है उसके लिए एक एन एफ ए भी मौजूद होती है। इन दिस केस दीज एफ ए एंड एन एफ एफ एज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो हम कहते हैं अगर एक ही लैंग्वेज के लिए आप एफ ए भी बना सकें और एन एफ ए भी बना सकें तो इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंट हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एफ एज टू बी कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट एन एफ एज। तो आप एक एग्जाम्पल है आपके पास ए प्लस बी क्लीन स्टार बी, तो इसके लिए आप जो एन एफ ए है वो इस तरह की हो सकती है कि आपने ए और बी का लूप लगा दिया, बी आ जाए तो बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन है ये एन एफ ए। यानी फर्स्ट स्टेट पे आप ए प्लस बी क्लीन स्टार लगा रहे हैं उसका लूप, और बी आने पे आप नेक्स्ट स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये एफ ए जो है एन एफ ए ए प्लस बी क्लीन स्टार ए प्लस बी क्लीन स्टार जो कि एक लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है, कौन सी लैंग्वेज है वो? कंटेनिंग डबल ए। तो आपके पास ये एक एफ ए है, आपका टास्क ये है कि आपने इसको एन एफ ए में कन्वर्ट करना है। और ये जो एफ ए है ये किसकी है? ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आपके पास स्ट्रिंग्स में आना चाहिए, कंटेनिंग ट्रिपल ए और ट्रिपल ट्रिपल बी। तो ये बहुत ही इजी है। आप ए प्लस बी क्लीन स्टार लूप शुरू में लगा सकते हैं, फिर 3 काउंट्स में ए और बी को मूव करवा के लास्ट में भी ए और बी क्लीन स्टार आप लगाएंगे या फिर लूप लगाएंगे तो वो आपकी एन एफ ए बन जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन।